नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा दसवीं के बच्चों को सेम उसी भाग दो से पार्ट तीन व्यायाम सर्वदा पथ्य पढ़ाने जा रहे हैं। शरीर राय सजनम कर्म व्यायाम मन संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमद्र नियार समतः। अर्थात शरीर का श्रम जन्य कर्म व्यायाम कहलाता है। सुखपूर्वक उसको व्यायाम करके पूरी तरह से हमें शरीर की मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक, शरीरोपचय कार्तिन कांत्राणाम सुविक्तता दीप्त ग्नित्व मलानयस्य स्थिरत्वम लघव मृजा। अर्थात व्यायाम से शरीर की वृद्धि, कांति, शारीरिक सौंदर्यता, पाचन शक्ति बढ़ना, स्फूर्ति, दृढ़ता, हल्कापन व स्वच्छता उत्पन्न होती है। श्लोक तीन, श्रम क्लस मपि पाशोषण सीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामा दूप जायते। अर्थात व्यायाम करने से, परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी और सहने की शक्ति जो उत्पन्न होती है, साथ ही परम आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य भी हमें प्राप्त होता है। न चास्ति, तीसरा श्लोक, न चास्ति सद्रम तेन कश्चित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मतस्य मर्दन्त्यत्रयो बलात्। व्यायाम के समान स्थूलता अर्थात मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकता, अर्थात हानि भी नहीं पहुंचा सकता। पांचवा श्लोक, न चैन्यम सहाक्रम्य जरा समी रोहति स्थिर भवति मासम च व्यायाम मा भी तरश्च। व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा भी आक्रमण करके नहीं चढ़ता, और व्यायाम में तल्लीनता रहने वाले मनुष्य को मास भी स्थिर हो जाता है। अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और उसकी शारीरिक सौंदर्यता भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। छठा श्लोक, व्यायाम स्वन नागृत्यस्य पदभया मूर्धवर्तितम व नरम व्यधयो नोपर संपत्ति वेनेतेया निरोग्रगा वयोरूपम गुणहीन मपि कुर्यात् सुदर्शनम। अर्थात व्यायाम करने से जिसका शरीर से पसीने से गीला हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनके शरीर से जो पसीने से वो शरीर जो गीला हो जाता है, तथा जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन करता हो उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आता। व्यायाम आयु, रूप एवं गुणों से हीन व्यक्ति को सुंदर बना देती है। श्लोक सातवा, व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विद्यमग्द विद्यग्दं वा निर्दोषं परिपच्यते। अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को देश का, काल का, वातावरण के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के अर्थात सहजता से पच जाता है, यानी खाया हुआ खाना चाहे वह अच्छी तरह से पका हो या नहीं। श्लोक आठवा, व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिना स्नग्ध भोजिनाम सच सीते वसंते च तेषा पथ्यतम स्मृतः। अर्थात चिकना युक्त जो लोग भोजन करते हैं, चिकना युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है। उनके लिए सर्दी व वसंत ऋतु में व्यायाम और भी अधिक लाभदायक माना गया है। श्लोक नवा, सर्वेषु व्रतुस्व हरः
पुबिब्बि वराहात्मा हितेशी बीहा बलस्योधेन कर्तव्य व्यायामो हंतंत्योन अन्यथा। अर्थात अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में यानी सभी मौसमों में प्रतिदिन यानी वर्ष भर अपने आधे बल शक्ति से व्यायाम हमें करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है और हमें वह नष्ट भी कर सकता है। श्लोक 10वां। हृदय स्थिता स्थितो वायु यर्दा वक्त्र प्रवक्गते व्यायाम कुर्वतो जंतो दद बलादर्श्य लक्षणम्। जय व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है अर्थात सांस फूलने लगती है तो वह उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण होता है। श्लोक 11वां। वयोबल शरीराणी देशकारी लाशनानी च समीक्ष कुर्याद व्यायामन्यथा रोग माना नु याद। अर्थात व्यक्ति को अपनी आयु शरीर स्थान समय भोजन आदि का विचार करके ही हमें व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है।